कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है। 8th जो एनसीईआरटी हमारे पास है उसका सेकंड चैप्टर आज हम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, मतलब हमारे दोस्त हैं कि हमारे दुश्मन। अब देखो बच्चों, हमारा जो एग्जाम आने वाला है वो हमारा सीटेट का भी आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो 6th से 8th क्लास तक की जो एनसीईआरटी साइंस की वो हमसे पूछी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं DSSB की, तो DSSB में अगर मैं बात करती हूँ तुमसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री 9th की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 10th की हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि सीटेट में अब मैं जो 6th भी वैसे जो पूरी एनसीईआरटी वो मैं करा चुकी हूँ, जो 7th और 8th की जो मैंने लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रखे थे उनमें साउंड में बहुत एरर है, तो वो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। वो प्लेलिस्ट थी पर वो मैंने क्या प्राइवेट कर दी है क्योंकि उसमें साउंड में बहुत ज़्यादा एरर आ रहा था बीच बीच में, तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा आपका फोकस नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। अब हम वापस से शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अब वो आप सीटेट की भी तैयारी वहां से कर सकते हैं और जो DSSB वाले हैं क्योंकि उनको भी 6th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और जो भी हमसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे हम उनके बारे में भी साथ साथ देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। और बच्चे क्योंकि आप ऑनलाइन है तो उनकी PDF मतलब आप मिलती नहीं है अपने को, और मिलती है तो आप वो कॉपीराइट का इश्यू वहाँ पे बहुत जगह रहता है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी और आगे मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम वो होगा तो मैं क्वेश्चन खुद ही मतलब बनाने लग जाऊंगी, मतलब जो आपके पास क्वेश्चन है सीटेट के वो मैं लिखना शुरू कर दूंगी, या टाइप जो भी है जैसे हमारे पास अवेलेबल जो चीजें होंगी वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब देखो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए, कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? वी नॉर्मली कांट सी, जो ऐसे माइक्रो मतलब छोटा ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात यही कही गई है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बस वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये कहाँ कहाँ देखा है, जैसे आपने मॉइस्ट सीजन में कहाँ पे देखा, तब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो ब्रेड पे देखा है, जिसको वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और फिर आपने देखा होगा वो कैसे दिखते हैं, जैसे ग्रे वाइट पैच आपको दिखाई देते हैं, आपको बहुत सारे फूड पे, अचार पे भी दिख सकता है, रोटियों पे दिख सकता है, या आपको और भी जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर ऐसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे हमें 4 क्लासिफिकेशन याद रखनी है जहां से हमारे से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसमें बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे, फंगी आप पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ आप पढ़ेंगे, एल्गी आप पढ़ेंगे, इनके यूजेस भी देखेंगे और ये कौन कौन सी जो डिजीजेस हैं वो कोज करते हैं वो भी हमें पढ़नी है। अगर वायरस की बात की जाए तो जो एक एक बच्चे जो बात लिखी जाएगी वो आपको ध्यान रखनी है। वायरस है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और वो क्या होंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? अगर आप इनके रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं, रिप्रोडक्शन ये सिर्फ किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप इनकी बॉडी ये कहें कि ये वायरस बाहर है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यही लाइन है, हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस बॉडी के अंदर रहेगा उसी में रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की, वो प्लांट में भी जा सकता है, एनिमल में भी जा सकता है, वैसे भी वो खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम बात करते हैं वायरस की, यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, वो लिख देंगे कुछ 3-4 बीमारियां लिख देंगे, उनमें से पूछेंगे भाई इनमें से कौन सी वायरस की क्या है डिजीज है, मतलब कौन इनमें से जो डिजीज होगी उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कोल्ड है, जो हमें जुकाम हो जाता है वो वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा है वो भी वायरस की वजह से होता है जिसको आप फ्लू कॉमनली बोल देते हैं, जो कफ है मतलब कोल्ड और कफ वायरस से होता है। फिर अगर आप देखते हैं पोलियो, पोलियो भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स है वायरस से होता है। तो ये जो बीमारियां हैं कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और चिकन पॉक्स, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये किससे होते हैं, ये वायरस से होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, ठीक
ठीक है, किसकी? प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ से दो बीमारियां होती है, डाइसेंट्री और मलेरिया। ठीक है, ये जो दोनों बीमारियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि डाइसेंट्री और मलेरिया दोनों ही किससे होती हैं, ये प्रोटोजोआ से होती हैं। अगर आप बात करते हैं टाइफाइड की और ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो वायरस की ध्यान रखनी है आपको, प्रोटोजोआ की ध्यान रखनी है। प्रोटोजोआ की कौन कौन सी है? डाइसेंट्री है और मलेरिया है। ठीक है, और टाइफाइड और टीटी से आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट थी, आपको ध्यान रखनी है। फिर बैक्टीरिया की, जैसे आपने शेप देख रहे होंगे आप, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एनसीईआरटी ने इमेज दे रखी है, पर ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। एल्गी का आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। एल्गी का एग्जाम्पल एक तो क्लाइडोमोनास है और एक स्पायरोगायरा है। आपसे ये एग्जाम्पल लिख देंगे, भाई स्पायरोगायरा क्या है? वो एक एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, फंगी है, क्या है वो? तो आपको पता होना चाहिए स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, और क्लाइडोमोनास भी क्या है? एल्गी होती है। ठीक है, फिर प्रोटोजोन की बात करें तो वो पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आता है, अमीबा भी किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना रखे हैं सीटेट ने, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें फंगी की, फंगी में पेनिसिलिन आती है, पेनिसिलियम जिसको आप कहते हो, और जो ब्रेड मोल्ड है वो भी फंगी के अंदर ही आता है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो गया और पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन का हमें इंजेक्शन लगता है ना, तो उससे याद रखिएगा वो फंगी है, और ब्रेड पे जो फंगस लगती है, ब्रेड मोल्ड उसको बोला जाता है, तो वो भी क्या है? फंगी है। ठीक है, और तीसरी क्या है? एस्पारजिलस। क्या है? एस्पारजिलस। तो ये तीनों क्या है? फंगी है। तीनों का तीनों जो नाम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है,
जो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये वायरस की स्ट्रक्चर है। वायरस कुछ ऐसा दिखाई हमें देता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये किसकी है, वायरस की है। फिर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप नेचर देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें दो नेचर के हिसाब से देखने हैं, या तो वो फ्रेंडली हो सकता है या फिर वो कैसे हो सकता है, वो मतलब वो दुश्मन हो सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, वो भाई दही बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, ब्रेड बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, या फिर केक बनाने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये देखें कि इन्वायरमेंट को अगर क्लीन करना है, क्योंकि देखो हमें नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं, अपने पास बहुत सारे प्लांट हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, रोज प्लांट्स भी मतलब वो अपनी लीफ को शेड करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो उनकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या है कि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए, उन इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, वो उसको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम भी कौन करता है, ये काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल पील्स हों, को एनिमल का जो वेस्ट है वो प्रेजेंट हो, फिसेस मतलब जो उसका एक्सक्रीटा है वो प्रेजेंट हो, तो वो उनको एक हार्मलेस और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये किसकी वजह से होता है, ये सब कुछ कौन करता है, ये बैक्टीरिया ये काम करता है। ठीक है, देखो, दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील को, रिमेन ऑफ द एनिमल मतलब जो फिकल मैटर होता है उनका एक्सक्रीटा होता है, ब्रेकन डाउन इन टू द हार्मलेस एंड द यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये सब काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। अब देखो, अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये कैसे यूज किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम राइजोबियम आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उस जो बैक्टीरिया है वो वहां पे प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है, किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर अगर आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि मे बी लिखा है, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टीसेलुलर। तो आपको ये कह दे कि क्या भाई बैक्टीरिया ऑलवेज सिंगल सेल्ड होते हैं, नहीं, मे बी मतलब वो उसमें मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब देखो, अपना एल्गी है, अब प्रोटोजोए हैं, ये मल्टीसेलुलर फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। अब देखो, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू दी हॉट स्प्रिंग, मतलब ठंडे में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अपना कीचड़ प्रेजेंट है, मार्शी लैंड्स हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग जो बॉडी होती है, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है ना, अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, क्योंकि वो हमें डिजीज कोज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात देखो तो ये मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे दही बनाने के लिए उसका कैसे यूज किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया दही बनाता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब लैक्टिक एसिड, क्योंकि दही में होता है, दूध में होता है, तो वहां से वर्ड लिया गया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, ये किसके लिए यूज है, दही बनाने के लिए। वो क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कड़ में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, चीज को, या पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, तो ये तो आप ध्यान रखेंगे ही। एन इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ रवा, इडली, भटूरा इज कर्ड, क्योंकि इन जो आप अभी अभी मैंने नाम लिया, चाहे इडली बना रहे हैं, भटूरा बना रहे हैं, तो उनका तब आटा आप लगाते हैं तो उसमें किसका यूज किया जाता है, दही का यूज कर लिया जाता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, मतलब आप बैक्टीरिया का यूज भी कर सकते हैं और आप किसका यूज कर सकते हैं, यीस्ट का भी आप क्या करते हैं, यूज करते हैं इनकी फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर आप बात करें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है बहुत रैपिडली, और क्या रिप्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को। तभी आपने देखा होगा जो आटा लगता है वो कैसा होता है, फ्लफी सा होता है, क्योंकि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां बाहर क्या निकलती है, CO2 रिलीज होती है वहां से। ठीक
ठीक है, और ये कौन करता है, यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। पहले आटा देखो, इमेज में अगर आपको दिख रहा ऐसे है, फिर कुछ वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है पेस्ट्रीज और केक्स को बनाने के लिए, और ब्रेड भी इसे तैयार किया जाता है। क्या यूज किया जा रहा है, यीस्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फिर क्या है, कमर्शियल यूज देखें अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये यूज किए जाते हैं लार्ज स्केल पे किस चीज के लिए बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसको आप विनेगर भी बोलते हैं। एल्कोहल बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, वाइन को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल की तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। फिर देखो, यीस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। वही बात लिखी गई है यहाँ पे भी, पर ये याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, एल्कोहल शुगर से आप क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं और वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेचुरल शुगर जिसमें जिसमें कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स में, जैसे बर्ली है, वीट है, राइस है, कस्ट जो फ्रूट जूस होता है, उससे आप क्या बना लेते हैं, उससे आप बना लेते हैं अल्कोहल। देखो, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, ठीक है। जो यीस्ट होती है उसको आप क्या है, किसमें डाल देते हैं, नेचुरल शुगर में, वहाँ वहाँ पे वो ग्रो करेगी, और फिर वहाँ से किसका हम नेचुरल जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, एंड दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सीटेट में एग्जाम्पल पूछा जाता है या पूछा गया है, चार वो प्रोसेस दे देंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ फर्मेंटेशन पढ़ा है, तो वो लिख देंगे कि भाई शुगर से कन्वर्ट होना अल्कोहल में, आप उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, या कोई और प्रोसेस वो लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए शुगर से अल्कोहल को कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्मेंटेशन है, ये प्रोसेस को किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने बताया था, और ये किसमें बताया था, 1857 में, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, 1857 में ये प्रोसेस इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। फिर हम बात करते हैं मेडिसिनल जो यूज है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अभी हमने बात की थी भाई जो फंगस है, पेनिसिलिन है, वो एज अ मेडिसिन यूज उसका किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के जैसे उसका यूज किया जाता है, तो वो कौन है, पेनिसिलिन है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, वैसे तो इसकी जो खोज हुई थी वो बिल्कुल रेंडम हुई थी, जैसे यहाँ पे भाई जो काम कर रहे थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या पाया कि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया की उन्होंने पेट्री डिश रखी हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, तो बाहर गार्डन में एक फंगस लगी हुई थी। तो फंगस का ग्रो करने का तरीका क्या होता है कि भाई, तो वो ग्रो करती है, तो जो उसके पोर्स होते हैं वो, तब वो ब्रस्ट करता है, तो बहुत दूर तक वो क्या जाते हैं, वो पोर्स क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो हुआ क्या कि भाई जो पास में रखी हुई थी एक पेट्री डिश, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे, वहाँ पे इसके पोर्स यहाँ गिरे, जैसे ही गिरे तो पता लगा कि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रो करना बंद कर दिया है। तो इससे ये पता लगा कि भाई ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, क्योंकि मान लीजिए हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुई और फिर ऊपर से हमें क्या है, पेनिसिलिन अगर दिया जाता है, तो आपको पता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद कर देगा, तो पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक यूज़ किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा या पता होना चाहिए, या आपको ये याद रखना है, बहुत ढंग से इसको याद रखना है, ठीक है। दीज डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं, जैसे स्टेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एंड एरिथ्रोमाइसिन है। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, और चौथी आपको कौन सी याद की है आपने, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो डिजीज होती है उनके अगेंस्ट में, वायरस डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ जो डिस्कवरी की थी वो किसने इसके बारे में बताया था, ये बताया था बच्चे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये यहाँ पे नाम रहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था, जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई वो सारा सब कुछ यहाँ लिखा गया है, 1929 में ये सारा प्रोसेस हुआ था, ठीक है। ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, स्टेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये भी एंटीबायोटिक्स हैं,
ठीक है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल वो भी बना देगा, भाई स्ट्रेप्टो क्या है, माइसिन है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक्स है, ये एक वायरल डिजीज के लिए एक दवाई है या एक वैक्सीनेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक मिनट, यहाँ ऊपर कोई लाइन थी। हाँ, बस यही लिखा गया है कि भाई जो आप एंटीबायोटिक्स हैं ये कहाँ से, फंगी और बैक्टीरिया से मोस्टली ये बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दी ग्रोइंग स्पीशीज स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक्स जो हैं भाई अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज तो ठीक करती ही करती हैं, प्लांट्स की डिजीज भी ये क्या है ठीक कर देती हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वायरल डिजीज के अगेंस्ट ये यूज नहीं की जाती, जैसे लिखा गया है एंटीबायोटिक्स, हाउएवर नॉट यूज्ड इफेक्टिवली अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कोज्ड बाय वायरस, तो वायरस डिजीज के लिए ये यूजेबल नहीं होंगी। ठीक है, फिर देखिए जो एक एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ा, अब आप एंटीबॉडी कह रहे हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि अभी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वैक्सीन, एंटीबॉडी बच्चे क्या होता है, एंटीबॉडी होता है आपको डिजीज हुई, हमारी बॉडी ने उसके रिस्पोंड में कुछ बॉडीज तैयार की जो उससे क्या है, जो अपने अंदर बॉडी में कुछ गया था, जो भी पैथोजन अंदर एंटर किए थे उनके अगेंस्ट वो लड़ने का काम करेगी, तो वही जो जो पैथोजन आया उनके अगेंस्ट में जो बॉडीज बनी उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, इन्वेडर्स जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं कह रही हूँ पैथोजन्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इन्वेडर्स बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आपको वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। वैक्सीन दो तीन तरीके से फॉर्म की जाती है, या तो जिसकी वजह से मान लीजिए कि किसी को टाइफाइड हुआ है, ठीक है, उससे जो टाइफाइड जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, टाइफाइड पहली बात तो बैक्टीरियल डिजीज है, सल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, हम उसको ST लिख देते हैं। अगर मुझे इसकी वैक्सीन बनानी है टाइफाइड की, क्या है, टाइफाइड की वैक्सीन बनानी है, तो हम उस बैक्टीरिया को या तो आप उसको क्या कर दोगे, डेड कर दोगे, उसको बिल्कुल ही मार दोगे, या फिर उसको वीक कर दोगे, मतलब वो ऐसे है ना तो वो जिंदा है और मतलब वो बिल्कुल भी मरा भी नहीं है, तो ऐसी वाली सिचुएशन है, बिल्कुल ही 90% वाली सिचुएशन पे है। ठीक है, तो उनको आप क्या करते हो, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे कलेक्ट करते हो जो इस फॉर्म में है और उसी को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसी को वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई हमारी बॉडी में जैसे ही कोई इन्वेडर जाता है या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू कर देती है। ठीक है, और क्योंकि अभी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई जिंदा ही बैक्टीरिया या पैथो कोई चला गया है, हमने तो सिर्फ कि बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज तैयार हो जाए उस डिजीज के अगेंस्ट, इसी वजह से हमने ऐसा किया था, तो वैक्सीन यही चीज होती है और कुछ नहीं होता, कि एंटीबॉडीज वहां पे तैयार हो जाए और बॉडी उसके लिए तैयार रहे कि कभी अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म आता है तो हमें ऐसे ऐसी एंटीबॉडीज तैयार करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अब किस किस चीज की, मतलब जो वैक्सीनेशन है वो है हमारे पास, कौन सी, कोलेरा की है, ट्यूबरक्लोसिस की है, स्मॉल पॉक्स की है, हेपेटाइटिस की है, ये किससे हैं, वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अब देखो अगर आप बात करें एडवर्ड जो जीनर हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया था, तो आपसे ये पूछा जाएगा स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर ने इसको 1798 में डिस्कवर किया था। ठीक है, एक आपको पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसके बारे में पता होना चाहिए, पोलियो आपको पता है कि एक वायरस की क्या है, डिजीज है। ठीक है, और बहुत सारा कैंपेन चला और अभी भी चलता है, पोलियो प्रोग्राम चलता है, पल्स पोलियो पोलियो प्रोग्राम आप इसको बोलते हैं, और स्मॉल पॉक्स को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए, बिल्कुल रिमूव करने के लिए बहुत सारे कैंपेन चले जो कि अब इरेडिकेट मोस्टली हो भी चुकी है। ठीक है ना, तो अब अगर आप देखो सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम कैसे बैक्टीरियाज का या ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन पहली बात तो बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, किस चीज़ का है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है,
तो अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो नाइट्रोजन को, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं या उसको इनहेल नहीं कर सकते, उनकी बॉडी में डायरेक्टली नहीं जा सकती है। तो हमें कोई ऐसा नाइट्रोजन फिक्सर चाहिए कि नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंच पाए या सॉइल तक पहुंच पाए। देखो पहला मेथड तो होता है बच्चे लाइटनिंग, लाइटनिंग के थ्रू वहां पे पहुंच जाए। और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो अपने पास बैक्टीरियाज हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, क्लीनर होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं किसको, जो अपने पास वेस्ट होता है हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने में ये ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम जो बात कर रहे थे कि साइनोबैक्टीरिया और इनकी बात कर रहे थे ना, ये यहाँ पे सारा वो डिकेइंग वाला है सारा जो मैंने अभी अभी बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना बच्चे, ये जो लाइन है यहाँ से, ये वाली और ये पूरा ये लाइनें जो है, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन सीटेट में उठ के यूं का यूं आया हुआ है, ये लाइनें भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि उन्होंने पूछा क्या। देखो एक में तो है प्लांट और एनिमल का वेस्ट और एक में है पॉलोथीन बैग्स हैं, एम्पटी ग्लासेस हैं, बॉटल्स हैं, ब्रोकन पार्ट टॉयज के हैं। तो उसने पूछा कि भाई ये जो पॉलोथीन पार्ट है मतलब जो पोट है उसमें तो कूड़ा कचरा है ऐसा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, और वो भी कैसा अपना भाई केले के छिलके हो गए या उसमें एनिमल वेस्ट है ऐसा है, और एक में बी पार्ट में जो मैंने अभी बताया कि ये सब कुछ है, तो ये बताइए कि डिकम्पोज जल्दी कौन होगा। तो ए वाला ही होने वाला है, जो ए वाला जो बैग है वो जो जल्दी डिकम्पोज होगा। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे सीटेट में आया हुआ है, ए बी सी और ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, ये ए बी ही था, सी नहीं था उसमें, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो वही है क्लीन वाला एनवायरनमेंट का। फिर हमने पढ़ना है कि हार्मफुल, आपको देखना है कि वो हार्मफुल किस तरीके से, सबको पता भाई डिजीज कर देते हैं। अच्छा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पॉइल कर देते हैं फूड को, जो क्लोथ्स हैं लेदर के हैं उनको खराब कर देते हैं। अगर आप डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डिजीज होती हैं भाई, जो कोज कर रहा है वो पैथोजन है। अब वो पानी से भी फैल सकती हैं, हवा से भी फैल सकती हैं, खाने से भी फैल सकती हैं, और डायरेक्ट किसी के कॉन्टेक्ट में आप आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से तो वैसे भी फैल सकती हैं। तो जो चीज़ें आप हवा पानी से टच से जो चीज़ें फैलती हैं उस उन डिजीज को आप क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेट करने से, कम्युनिकेट ये नहीं बोलने से जो हो जाता है, पर क्योंकि हाँ अगर ऐसा होता है कि भाई किसी को छींके आ रही हैं, ठीक है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसने छींके मार दी वो आप तक आ गई, तो ऑब्वियसली बात है वो ड्रॉपलेट नहीं आई है, वो बहुत सारे वायरस वहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो आपको बीमारी हो सकती है उसमें। कम्युनिकेबल डिजीज में ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आया था हमारे सीटेट वाले एग्जाम में, क्या आया था कि भाई कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो उसमें कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस है। और फिर उसने क्या दिया, तीन जो एग्जाम्पल थे उसमें तो एक में तो करेक्ट यही दे रखा था, साथ में एक में दे दिया एनीमिया। क्या बच्चों जिसमें खून की कमी होती है वो डिजीज क्या फैल सकती है, अगर किसी में 9 ग्राम है तो अगर वो किसी 12 ग्राम वाले के पास बैठेगा तो दूसरे वाले का 9 ग्राम तो नहीं कर देगा ना। तो एनीमिया है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, शुगर है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक है, तो जो आप फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो सकता है, हवा पानी जो उससे फैलेगा उसको आप कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, ये अभी अभी मैंने बताया कि भाई जो हेल्दी पर्सन है उस तक वो अगर ड्रॉपलेट आती हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वही कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। कई बार क्या है बच्चे, कैरियर्स भी होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, कैरियर्स भी होते हैं जो एक पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। लाइक मलेरिया में जैसे होता है, अपने पास क्या होता है प्रोटोजोन्स होते हैं, और वो कहाँ पे, मान लीजिए जैसे गंदा पानी हो गया वहाँ पे कलेक्टेड जो वाटर होता है वहाँ पे ग्रो किया, तो वहाँ पे मच्छर मच्छर जो है उसका लार्वा भी वहाँ पे ही
रिप्रोड्यूस या वो ग्रोथ उसकी होती है, तो मच्छर वहां से प्रोटोजोन को लेके आता है और हमारी बॉडी में उसको डाल देता है। तो उनको कैरियर्स आप बोल रहे हैं, या आप और एक बहुत बढ़िया जो कैरियर है हाउस फ्लाई है, वो क्या करती है, कहीं भी गंदगी में बैठ के आती है, वहां से कुछ बीमारी उठा के लाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के लाती है बेसिकली, और फिर वो किसी खाने में बैठ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या करके आई है, वो डिजीज कैरी करके हमारे पास आई है, तो वो एज अ कैरियर वहां पे बिहेव करने वाली है, ठीक है। अब ये क्या है, पैथोजन को ट्रांसफर करेंगे, तो इसी वजह से खाना जो है वो ढक के रखिए, खुला खाना जो है ऐसे ही, और जिसमें मक्खी गिर जाए उसको ना खाएं, या जो मक्खी चूस होते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमारे टीचर कहते हैं, बस सोच लो कहाँ कहाँ वो बैठ के आई है, तो जो अपनी हाउस फ्लाई होती है वो बड़ा गंदा सा ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। फिर जो है और एग्जाम्पल अगर आप कैरियर के देखते हैं, तो उसमें कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, विच कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और वो प्रोटोजोआ, जिसमें मोस्टली वो क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसको आप कह रहे हैं, क्या है, प्लाज्मोडियम। फिर क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, जो कि किस मतलब क्या कोज करती है, डेंगू, और ये क्या होता है, वायरस से ये डिजीज जो है वो हो रही है, ये आप ध्यान रखने वाले हैं, किससे हो रही है, वायरस से, तो डेंगू का ये मत लिख देना कि वो बैक्टीरिया से हो रही है, डेंगू या जिसको इंग्लिश में डेंगी बोला जाएगा, तो वो वायरस से बीमारी होगी, ठीक है। अब देखो कि जो मॉस्किटो हैं सारे वो ब्रीड करते हैं पानी में, कहीं भी कलेक्ट हो गया पानी अपने, चाहे कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, कहीं पे भी अपने सराउंडिंग में, तो वहाँ पे क्या है, वो ब्रीड करेंगे, और फिर वो क्या है, वही प्लाज्मोडियम को कैरी करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या मोस्टली ह्यूमन में, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये जो टेबल है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम से कम 5-7 क्वेश्चन आए हुए हैं हर बार, मतलब चाहे आप 2019 से उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन भी एक बार में, तो अगर 2019 की मैं बात करूं तो उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे यहीं से, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस है पहली बात, तो बैक्टीरियल डिजीज है, मिसल्स है वायरस डिजीज है, चिकन पॉक्स है वायरस डिजीज है, पोलियो वायरस डिजीज है, कोलेरा बच्चे ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड का सबको पता होगा, पोलियो आप ध्यान रखेंगे वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है, मिसल्स जो होती है वो वायरल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज है। और जो अपने पास ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो ये कैसे ट्रांसफर होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, तो ये भी पूछा गया था आपसे, लिख दिया ये 3 बीमारियां लिख दी, ठीक है, ये 3 बीमारियां लिख दी, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस का एयर है, मिसल्स जो है वायरस से होती है, एयर उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहां पे है, चिकन पॉक्स जो होता है वायरल डिजीज है, एयर कॉन्टेक्ट कि उससे एयर और कांटेक्ट मतलब अलग, हवा अलग और कांटेक्ट अलग, दोनों की वजह से ये फैल सकता है, ठीक है। फिर पोलियो की बात अगर आप करते हैं, तो पोलियो वायरल डिजीज है, एयर और वाटर दोनों से ये डिजीज जो है वो फैल सकती है, एयर से भी और किससे, वाटर से भी। फिर बात करते हैं कोलेरा, बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर और किससे, फूड से, दोनों से फैल सकती है। टाइफाइड जो है वो जो पानी है, गंदा जो पानी होगा, कंटामिनेटेड जो वाटर होगा उससे फैलेगी। हेपेटाइटिस ए है, वायरल डिजीज है, और वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मलेरिया है, प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, और किसको कैरी कर देती है, प्लाज्मोडियम को, और ये मॉस्किटो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट से कि भाई जो मलेरियल मलेरिया जो डिजीज है उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भाई किसी को ना हो, प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, तो भाई जाली लगा लीजिए, या जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो लगा लीजिए, इंसेक्टिसाइड को वहां पे लगा दीजिएगा, या जो वायर गोज के जो दरवाजे होते हैं उनको लगा लीजिए कि ताकि मच्छर अंदर ना आए, या फिर अपना पानी कहीं पर इकट्ठा ना होने दें। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं तो जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर है अपने पास ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, एडवर्ड जेनर का भी याद रखेंगे, और अपना जो फ्लेमिंग है उनका भी याद रखेंगे। अब देखो रॉबर्ट कोच ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बात की थी बैक्टीरिया की, कौन सी डिजीज के लिए मतलब बात की थी, इन्होंने बात की थी जो एंथ्रेक्स जो डिजीज है उसके बारे में, ठीक है, मतलब ऑल ओवर इन किया था, डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बेसिलस, क्योंकि ये जो एंथ्रेसिस है, ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज करता है एंथ्रेक्स, जो एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स इन द सेंस कैटल्स में भी
पाई जाती है, जैसे बहुत सारे ना ऐसे घाव नहीं हो जाता है, जैसे घाव किसी को हो जाता है बड़ा गहरा सा, तो वैसे कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं सारी बॉडी पे एक ऑर्गेनिज्म के, तो वो डिजीज होती है एंथ्रेक्स। ठीक है, अब देखो ये लिखा भी गया है, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, तो आपको ये ध्यान रखना है एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, और रॉबर्ट कोच ने इनके बारे में बताया। और यहाँ पे क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, अगर माउथ में होती है या फुट पे होती है तो वो किससे होगी, वो वायरल डिजीज होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ कुछ प्लांट्स की भी बात की गई है, प्लांट्स की यहाँ पे टेबल दे रखी है अलग से कि प्लांट्स में भी वायरस और बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, फंगी भी इफेक्ट करता है। तो आपसे भी ये पूछा गया था सिट्रस कैंकर, ये जो बीमारी है किसकी वजह से होती है। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा सिट्रस कैंकर नींबू में, आपने ऐसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स देखे होंगे, ब्राउन ब्राउन कलर के, तो ये क्या है, ये सिट्रस कैंकर इसको बोला जाता है, बैक्टीरियल ये डिजीज है, और ट्रांसमिशन मोड जो है वो किससे होगा, ये एयर से। फिर है रस्ट ऑफ वीट, वीट में जो बीमारी देखने को मिलती है वो होती है फंगस से, और ये किससे ट्रांसफर होती है, एयर और सीड्स के थ्रू। फिर है येलो वेन मोजाइक और भिंडी, ठीक है ये भी वायरल डिजीज है। देखो तीनों अलग अलग थी, सिट्रस कैंकर मतलब जो अपना नींबू है वो बैक्टीरिया से है, रस्ट ऑफ वीट जो है वो फंगी से है, और येलो वेन मोजाइक मतलब जो भिंडी में है वो किससे है, वायरस से है, और जो कौन करता है, इंसेक्ट ये बीमारी करता है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ऐसे स्प्रेज आते हैं भाई, आप जो उनपे क्या कर सकते हैं, केमिकल आते हैं जो स्प्रे आप कर सकते हैं उनपे, जिसकी वजह से ये बीमारियां भी आप खत्म कर सकते हैं। फिर बात की जाती है फूड पॉइजनिंग क्या है, आपने देखा होगा कि आप अगर फूड की वजह से, जो आपको बॉडी आपकी प्रेफर नहीं करती है, आपने उसको खाया या उसमें कोई भी ऐसी चीजें थी जो आपकी बॉडी के लिए वो सही नहीं थी, तो वहाँ पे सीरियस इलनेस आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि बॉडी उस फूड को क्या नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या तो ओवर ईटिंग वहाँ पे हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्पॉइल्ड फूड आपने खाया है, जो खराब खाना है वो आपने खाया है, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर बात है फूड प्रिजर्वेशन की, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। देखो फूड प्रिजर्वेटिव मतलब कि आप देखते हैं कि भाई कहीं पे भी अगर आप हैं, तो मोस्टली हमारी यही चीज़ रहती है कि भाई कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाए लंबे समय तक। खाना है लोग क्या करते हैं कि भाई लो टेम्परेचर में रख दीजिए, क्योंकि लो टेम्परेचर में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, या जो फंगस है वो भी वहाँ ग्रो नहीं कर पाती, तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, या अचार बनाया जाता है उसमें भाई ऑयल डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, तो ऑयल और सॉल्ट दोनों ही एज अ प्रिजर्वेटिव बिहेव कर रहे हैं। या जो शुगर है, कैंडीज में शुगर डाली जाती है, च्यवनप्राश में डाली जाती है, जैम्स में डाली जाती है, तो शुगर वहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव बिहेव कर रही है। नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि जो एयर टाइट मतलब जो अपने पैकेट्स जो आते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, वो प्रिजर्वेटिव के जैसे बिहेव कर रही है वहाँ पे, क्योंकि इनर्ट होती है। अगर केमिकली आप देखो तो केमिकली आपके पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ये दोनों केमिकल क्या हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, और तो मैंने आपको बताया ही है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है, और अपना ऑयल भी है, ये सारे क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव बिहेव करते हैं, और लो टेम्परेचर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, और फिश इन दोनों के लिए भी यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट एज अ क्या है, प्रिजर्वेटिव के जैसे बिहेव करता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, किस चीज के लिए, ये किस वजह से, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस वजह से कॉमन सोल्ट को यूज किया जा रहा है, क्या करने के लिए, कि क्या वो चेक करे किसकी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की, कि वो रोक देता है ग्रोथ की, किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज, और जो अपने पास इमली होती है उसकी भी जो प्रिजर्वेशन है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है।
प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जेम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैशेस हैं, यहाँ पे शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव बिहेव करता है। शुगर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। तो आपसे पूछा गया था सीटेट में कि भाई जो शुगर है वो एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों बिहेव किया गया है, तो वो रिड्यूस कर देता है किसको, मॉइस्चर कंटेंट को, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिट हो जाती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और बच जाता है स्पॉइल होने से जो अपना फूड है वो। फिर क्या, यूज ऑफ द ऑयल विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ द पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली इन्वायरमेंट में तो बैक्टीरिया भी नहीं रहता है। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट फिशेज मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, क्योंकि जैसे हम भिंडी बना लेते हैं या फिर अपना करेला बनता है तो मम्मी कहती है भाई ये 2 दिन खराब नहीं होंगे, मोस्टली करेला को बोला जाता है। फिर जो अलग अपने पास तरीका है जिसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जिसको पाश्चराइजेशन भी बोला जाता है। क्या है, पाश्चराइजेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके बारे में भी किसने बताया था, दिस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर, पाश्चराइजेशन के बारे में उन्होंने ही बताया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो मिल्क है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, जैसे 70 डिग्री पे उसको बॉयल कर दिया है, फिर उसको एकदम से बिल्कुल उसको सडनली क्या कर देंगे, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे और उसको स्टोर करेंगे। अब क्या है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है, जिसको आप पाश्चराइजेशन कहते हैं। यही है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds एंड then suddenly chilled and stored. By doing so, it has prevented the growth of the microbes. Or this process was discovered by Louis Pasteur and this is called pasteurization. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, stored and packaging. Packaging में भी यही होता है कि तब हम अपने पास जो क्या होते हैं, ऐसे जार होते हैं, उसमें बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर जो हमारे पास होता है उसमें हम फूड को स्टोर करते हैं ताकि उसमें एयर ना जा पाए, क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स हैं तो ग्रो करेंगे और ख़राब करेंगे फूड को। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें आपको ध्यान रखना है भाई राइजोबियम वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और कौन से प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जितनी भी दालें हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे बीन्स और पीज यहाँ लिखा गया है, जो मोस्टली जो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। With which it has a symbiotic relationship. यहाँ पे क्या है, जो symbiotic relationship आपको देखने को मिलती है roots में और किस में, bacteria में देखने को मिलती है। ठीक है, roots में यहाँ पे, और उसको जो food का source है वो यहाँ मिल जाता है, plant को nitrogen मिल जाती है। तो symbiosis क्या होता है कि भाई तब दोनों आपस में मिलके रहें, प्लांट को इस बैक्टीरिया से फ़ायदा हो रहा है और बैक्टीरिया को प्लांट से फ़ायदा हो रहा है, इसी को सिम्बायसिस बोला जाता है। यही मैंने बोला था कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो लाइटनिंग से फिक्स हो सकती है या तो जो बैक्टीरिया है ये इसको फिक्स करा सकता है। ठीक है, देखो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, ये मैंने बता दिया, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी लेंगे या तो एटमोसफेयर से डायरेक्टली जो है वो लाइटनिंग की वजह से होगा। ठीक है, फिक्स होगा जो नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो बैक्टीरिया और फंगी हैं वो वापस से इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को भेजने का काम करते हैं, क्योंकि अब कई ऐसे सोर्सेज हैं जो क्या हैं भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट ऐसे जो नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं वो डैमेज हो गए, वो ख़राब हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब बैक्टीरिया और फंगस उस पर क्या हैं, उस पर एक्ट करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में और इन्वायरमेंट में क्या कर देंगे, रीसेंड कर देंगे, मतलब यहाँ पे दोबारा से वो पूरा सर्कल चल रहा है कि हमने इन्वायरमेंट से ली, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, वापस से फंगी और बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया और इन्वायरमेंट में पहुंच गई। ठीक है, यही चीज़ चल रही है। ये चीज़ और ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन आपको पता है 78% जो है वो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साइकिल में ये नॉर्मल सी बात है, एटमोसफेयर है भाई, उससे लाइटनिंग हो गई या फिर बैक्टीरिया ने फिक्स कर लिया, अब उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, अब वो किस में है, वो सॉइल में पहुंच गया, अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन भाई यूज़ कर ली, तो वही चीज़ें चल रही हैं कि प्लांट ने ले लिया, एनिमल्स ने उसको खा लिया, फिर वो एक्सक्रीशन करेंगे या उनकी डेथ हो गई तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, तो वही साइकिल ये यहाँ पे है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप यूज़ मतलब करेक्ट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। अब देखो
यस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, यस्ट जो है वो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एल्कोहल की प्रोडक्शन में। इनमें से आप ये और आपको एक बात पता है बच्चे, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन कौन होता है मलेरिया का। अपने पास होता है फीमेल एनाफ्लीज होती है, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई है। फिर है ब्रेड और इडली डोसा राइजेज बिकॉज ऑफ हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल की वजह से, इसी की वजह से होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन भी अपने सीटेट में पूछा गया था, देख लो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब इनमें से आपको देखना है राइजोबियम, आपको पता है राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इस पे ये मिक्स, ये मैच कर दीजिए। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये करता है सेटिंग ऑफ द कर्ड, ठीक है। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट हमारे पास करता है बेकिंग ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं हम, ये यहाँ पे हो गया। अगर आप वायरस की बात करें तो वायरस से तो एड्स भी होती है,